आपका जहां तक प्रश्न है, मैं यह भी मानता हूं कि हमारे कारीगरों की कला और शिल्प की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग करने में भी यह कामयाब होता है, इसे ब्रांडिंग भी होती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यह निभाता है। और जब ब्रांडिंग होगी तो यह स्वाभाविक रूप से जो हमारे शिल्पकार हैं उनको अपने आइटम्स की, अपने चीजों की उचित कीमत भी मार्केट में मिलेगी। जब तक ब्रांडिंग नहीं होती है तब तक कोई भी हम सामान लेकर जाएं, जितनी उसकी कीमत मिलनी चाहिए उतनी कीमत नहीं मिल पाती। इसलिए जो हुनर हाट की एक अपने में बहुत ही अहमियत है, इसलिए हुनर हाट हमारे पारंपरिक कारीगरों के बाजार और अवसर प्रदान करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान यह साबित हुआ है, ऐसा मैं समझता हूं। मुझे यह भी बताया गया है कि पिछले 5 वर्षों में हुनर हाट के माध्यम से 5 लाख की संख्या में रोजगार के अवसर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट किए। मुझे यह भी बताया गया है इस टारगेट को नकवी जी ने आगे बढ़ाया और इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम जनरेट करेंगे, और जितना इसको जितना ही हम आगे बढ़ाते जाएंगे, अधिक से अधिक लोगों को जिनके पास हुनर है, जिनके पास कला है, जिनके पास प्रतिभा है, उनको काम करने का अवसर मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं वोकल फॉर लोकल, जो भी लोकल है उसके लिए आप वोकल होइए, बोलिए कि चर्चा की जानी चाहिए, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मैं समझता हूं यह अब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान है भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का, और मुझे इस बात की खुशी है कोरोना की जैसी वैश्विक महामारी, कोरोना जैसी वैश्विक आपदा को भी हमारे शिल्पकारों ने, हस्तकारों में उस आपदा को भी अवसर में बदल दिया है। इसलिए मैं सारे शिल्पकारों को, हस्तकारों को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और उन्हें यह मालूम था कि हुनर हाट नकवी जी लगवाएंगे, आगे भले ही ये कोरोना हो लेकिन नकवी जी मानने वाले नहीं है, हुनर हाट लगेगा। इसलिए लॉकडाउन के पीरियड में भी उन्होंने अपना काम छोड़ा नहीं, अपनी हुनर के माध्यम से जो भी चीजें तैयार कर सकते थे उन्होंने तैयार करने की भरपूर कोशिश की है।